जय श्री राम की काट के लिए बीजेडी ने जय जगन्नाथ नारे पर किया फोकस। नमस्कार, मैं ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले ओडिशा में बीजेडी और भाजपा के बीच राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। राज्य में सत्तारूढ़ दल बीजू जनता दल ने भाजपा के जय श्री राम का मुकाबला करने के लिए जय जगन्नाथ उद्घोष कर रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर अभिषेक समारोह से ठीक पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुरी में जगन्नाथ मंदिर के नव निर्मित गलियारे का उद्घाटन किया। ओडिशा सरकार अब अगले एक महीने तक इस परियोजना को देखने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में हर दिन लगभग 10,000 लोगों की यात्रा की व्यवस्था करने के लिए तैयार है। ओडिशा में विधानसभा चुनाव इस साल लोकसभा चुनाव के साथ होने की संभावना है। बीजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि 23 साल से अधिक समय तक राज्य की सत्ता पर कब्ज रहने वाले नवीन पटनायक प्रतिद्वंदियों द्वारा पैदा किए जा सकने वाले हर खतरे से वाकिफ है। उन्होंने कहा, भाजपा राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के माध्यम से क्या करना चाहती है, नवीन बाबू इससे अच्छे से ज्ञात है। बीजेडी नेता से जब भाजपा के हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए पार्टी की योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, आप जय श्री राम कहते हैं और हमारे पास भगवान जगन्नाथ है। बता दें कि बीजेपी राज्य विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल है। जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर विकसित किया गया है। इसके उद्घाटन समारोह में देश के कई प्रमुख मंदिरों के शीर्ष प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने कहा कि राज्य में लगभग 10,000 मंदिरों और विभिन्न पूजा स्थलों का भी नवीकरण होना है। इसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने एक जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा परियोजना के लिए वही रणनीति अपनाई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जगन्नाथ कॉरिडोर का उद्घाटन ऐसे कर रही है जैसे कि ये बीजेडी का कोई कार्यक्रम हो, इसलिए बीजेपी ने इस आयोजन से दूरी बनाए रखी। विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस ने भाजपा पर यही आरोप लगाया है कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है। नवीन बाबू के नाम से मशहूर 77 वर्षीय पटनायक अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में लगातार छठी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता से जनादेश मांगेंगे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी है। पिछले विधानसभा चुनाव में 146 सीटों में से बीजेडी को 112 सीटें, बीजेपी को 23 और कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली थी। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेडी ने 21 में से 12 सीटें जीती, भाजपा को 8 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। बता दें कि पिछली बार भी लोकसभा चुनावों के साथ ही ओडिशा विधानसभा के चुनाव हुए थे।